गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ. ओके, सो टुडे वी विल लर्न अवर चैप्टर नंबर 8, रिया रीड्स अंकल्स होम. दिस इज अ पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 6 and 7. दिस इज अ लास्ट एंड थर्ड पार्ट. ओके, अब तक हमने देखा था कि रिया जो है वो स्टेशन पे जाती है. रिया जो है अपने घर से निकल के स्टेशन, फिर अपने मामा के घर फाइनली वलसाड़ पहुंच जाती है. ओके, नाउ अभी इस पार्ट में क्या है कि रिया फाइनली अपने अंकल के घर पहुंच गई. ओके, आई होप कि आपको फर्स्ट 2 चैप्टर ऑलरेडी माइंड में क्लियर हो. ओके, सो 29th मे एट 9:10:25 आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी बाय ट्रेन वी रीच्ड वापी. Mama's home is near by the station, so he came to pick us up. Shreel and Arnav also came with Mama. They are Mama's children. They are happy to see me and Himanshu. We hugged each other. So Riya yahan pe batati hai, after long journey by train, they reached Vapi and Mama's home. Okay, means uncle's home. Mama's home is near by the station, so Mama came and picked them. Okay, Shreel and Arnav are the Mama's children, so they are happy to see Himanshu and Riya. Okay, we hugged each other. So वो लोग क्या करते हैं, वो लोग दूसरे को hug करते हैं. Okay, we hired 2 auto rickshaw from the station to reach Mama's home. I was feeling very sleepy. I slept. After some time, mother woke me up. Parents took bath and got ready. Himanshu and I also took bath and got ready. Thereafter, we sat together and had our meal. Mama said, take rest for some time, then we will go to Daman. So, okay, वो बताती है, फिर हमने स्टेशन से 2 ऑटो रिक्शा ली. कितनी ऑटो रिक्शा ली? 2. Okay, फिर हम लोग मामा के घर reached हुए. सो रिया फीलिंग वेरी टायर्ड, तो वो सोने चली जाती है. और उसके जो मदर एंड फादर होते हैं वो लोग फ्रेशन अप होके रेडी हो जाते हैं. और तो वो बोलती है कि जब मैं बाद में उठी, हिमांश और मैंने भी बात लिया एंड देन हम लोग रेडी हो गए थे. देयर आफ्टर वी गो टुगेदर हैड आवर मील. उसके बाद बताती है कि हमने अपना लंच किया और मामा ने उनको बोला कि थोड़े टाइम के बाद हम लोग दमन जाएंगे. कहाँ जाएंगे? दमन. ओके, सो वी गेट रेडी टू गो दमन. सो बोलती है कि हम लोग दमन जाने के लिए रेडी हो गए. मामाज फैमिली वॉज ऑल्सो गोइंग टू कम विथ अस. सो मामाज फैमिली ऑल्सो कमिंग विथ दैम. वी रीच्ड बस स्टेशन बाय ऑटो रिक्शा. वो किसके, वो कहाँ पहुँचे थे? ऑटो रिक्शा से बस स्टेशन से. ओके, वो लोग ऑटो रिक्शा से कहाँ गए थे? बस स्टेशन गए थे. और बस में बैठने के बाद देन वो लोग दमन जाएंगे. ओके, फ्रॉम देयर बाय बस वी रीच्ड एट जम्पोर बीच ऑफ दमन. कौन से बीच पे? जम्पोर बीच. ओके, दमन में कौन सा बीच पे गए थे वो लोग? जम्पोर बीच. देयर वॉज अ क्राउड ऑन द बीच. पीपल हैड कम फॉर फन एट द सी शोर. Some people were sailing around the sea in the boat, some were riding on the huts and some were on the camel. So वो बोलती है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा crowd था. Crowd मीन बहुत ज़्यादा public थी, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी. So वो बोलती है बीच पे बहुत ज़्यादा public थी. People जो है वो यहाँ पे fun के लिए आए थे. और वहाँ पे जो बहुत सारी boat पे लोग sail, मतलब boat पे लोग boat पे बैठ के सी के चक्कर लगा रहे थे. और कुछ लोग हॉर्स पे राइड कर रहे थे और कुछ लोग कैमल पे राइड कर रहे थे. लिटिल चिल्ड्रन वे आर मेकिंग सैंड हाउस एट सी शोर. वो बोलती है सी शोर पे जो लिटिल चिल्ड्रन थे वो लोग सैंड हाउस बना रहे थे. आई रियली इन्जॉयड बाय सीइंग ऑल दिस. सो रिया बताती है कि शी इज़ वेरी हैप्पी टू सी ऑल दिस एक्टिविटी. हिमांश, श्रील, अर्णव एंड आई ऑल्सो सेट टू मेक सैंड हाउस. सो हिमांश, श्रील एंड अर्णव वो लोग भी सैंड हाउस बनाना चालू करते हैं. लुक एट दिस पिक्चर. ओके, आपको ये पिक्चर दिखाई दे रहा है, इसमें जो चिल्ड्रन हैं वो लोग सैंड हाउस ही बना रहे हैं. जनरली वी ऑल्सो डू सेम थिंग.
when we are going seashore. Okay, we enjoyed a lot playing in sand. So Riya said they are enjoy a lot. Okay. Meanwhile, Mama bought tickets for the boat. We sailed across the sea in the boat. First, I was afraid to get in the boat. I sat next to my mother. We enjoyed boating in the sea. So, वो रिया बताती है कि मामा जो हैं वो टिकट्स लाए थे बोट की. किसकी टिकट्स लाए थे? बोट में हमें चक्कर मारने के लिए. ये आपको पिक्चर में दिखा ना कि बोट में सब लोग बैठ के समुद्र का सी का राउंड मारते हैं, उसी तरह उसके मामा जो हैं वो उसकी टिकट्स लाए थे. ओके, सो रिया जो थी वो पहले अफ्रेड हो रही थी, मतलब वो डर रही थी बोट में बैठने के लिए, बट बाद में वो अपनी मदर के पास जाके बैठ गई. वी इंजॉय बोटिंग इन द सी, तो दे ऑल आर एन्जॉय. ओके, आफ्टर दैट वी वेंट फॉर अ हॉर्स एंड कैमल राइडिंग. सो बोट में राइडिंग करने के बाद उन्होंने कहाँ पर राइडिंग की थी? हॉर्स पे एंड कैमल राइडिंग की थी. कौन सी राइडिंग की थी? हॉर्स की एंड कैमल की राइडिंग पे. ओके, लेटर वी हैच अवर स्नेक्स बाय एट द शोर. बाद में उसने सी शोर के साइड के सी शोर पे गए एंड देन उन्होंने अपना वहाँ पे स्नैक्स खाया. ओके, नाउ इट वॉज इवनिंग. इट सीम्ड एज इफ द सन वॉज सिंकिंग इन द सी वाटर. द स्काई वॉज लुकिंग कलरफुल. We took photograph and videos at seashore. वो बोलती है कि अभी इवनिंग का टाइम था, सन जो था वो सिंकिंग, मतलब बहुत अच्छा मस्त लग रहा था सी वाटर पे, शाइन कर रहा था और स्काई भी जो था वो बहुत ज़्यादा कलरफुल लग रहा था. सो वो बोलती है कि मैंने बहुत सारे वीडियोस लिए और बहुत सारे फोटोग्राफ लिए. इट वॉज डार्क, वी केम बैक टू मामाज हाउस. वो बोलती है डार्क मीन्स यहाँ पे क्या कि आफ्टर सनसेट. ओके, कि सनसेट होने के बाद हम लोग अपने मामा के घर पे वापस आ गए. माई लॉन्ग जर्नी वॉज इंटरेस्टिंग एंड मेमोरेबल. सो वो बोलती है कि मेरी जो लॉन्ग जर्नी थी वो हमेशा इंटरेस्टिंग रहेगी और हमेशा मेमोरेबल भी रहेगी. ओके, लुक एट द पिक्चर ऑफ द ट्रेन टिकट. ये हम लोग सब अपने ओके चलो करते हैं. ओके, लुक एट द पिक्चर ऑफ द ट्रेन टिकट. फाइंड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फ्रॉम द टिकट एंड राइट. ओके, ट्रेन नंबर, तो ये आपको ये टिकट दिखाई दे रहा है, यू कैन इजीली सी. ओके, आपको दिखाई दे रहा होगा ना ये टिकट, तो आपको इसमें से ही सारी इंफॉर्मेशन लिखनी है. ओके, सो इसमें लिखा हुआ ट्रेन नंबर, डेट ऑफ जर्नी, कोच एंड सीट नंबर, फेयर ऑफ टिकट. फेयर ऑफ टिकट मीन्स कि टिकट के कितने पैसे लगे. सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 2578 ओनली. कितने रुपीस लगे? 2578. ओके, यहाँ पे डिस्टेंस लिखा हुआ है, हाउ मैनी पीपल ट्रैवल, एक टिकट पे कितने लोग ट्रैवल कर सकते हैं. सो ये सब लिखा है एक. ओके, द टिकट इज फॉर हाउ मैनी मैन एंड वुमेन. सो ये जो एक टिकट है इसमें से आपको सारी इंफॉर्मेशन लिखनी है. ओके, सो मैं आपको बता देती हूँ, ये जो टिकट है वो बांद्रा टर्मिनेटर की है. इसमें जो है वन फीमेल और टू मेल ट्रैवल करेंगे. इसका रेंट है, सॉरी इसका फेयर है 2578. बोर्डिंग डेट्स है 24/12/2018, मतलब ये टाइम की ट्रेन है. ओके, ये कहाँ तक जाएगी? रतलाम तक जाएगी, बांद्रा टर्मिनल से लेके वो रतलाम तक जाएगी. यहाँ पे देखो ट्रेन नंबर लिखा हुआ है 9037, देखो. ओके, दिख रहा है ना आपको, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इसमें लिखनी है, यू कैन इजीली राइट. ओके, सो इसी टाइम टेबल ऑफ रेलवे गिव डिटेल अबाउट द रूट ऑफ एवरी ट्रेन ट्रेन. बिसाइड दिस इट ऑल्सो गिव डिटेल्स ऑफ अदर इंफॉर्मेशन एट वॉट टाइम ट्रेन इज एंड वॉट टाइम डिपार्ट्स डिस्टेंस कवर्ड. वी कैन बाय रेलवे टाइम टेबल फ्रॉम रेलवे स्टेशन. सो टाइम टेबल जो होता है वो रेलवे देती है सबको. और रेलवे जो ट्रेन में ट्रैवल करते हैं वो ट्रेन जब हम लोग टिकट्स खरीदते हैं और उसका एक टाइम टेबल भी आता है कि इतने बजे ट्रेन आएगी, इतने बजे ये स्टेशन पर रुकेगी, इतना उसका हॉल्ट होगा, इतना इसका डिस्टेंस होगा, कितने दिन लगेंगे. ओके, तो ये सब ट्रेन का टाइम टेबल होता है. सो ये कच एक्सप्रेस का टाइम टेबल है, ऑलरेडी यू कैन सी इन दिस पिक्चर. द
The detail of Priya's train is given in this timetable. Look at carefully and give the answer of the question given below. So, ये question के related नीचे answers दिए हुए, ये chart के according नीचे answers दिए हुए हैं, okay? ये हमें chart के through नीचे question के answer देने हैं. But ये हम लोग कब देंगे? अपने next video में, okay? We will do in our next video, okay? So, जब तक के लिए अपने क्या हमने chapter में पढ़ा? ये chapter में हमने पढ़ा कि रिया जो है वो अपने अंकल के घर गई. वहाँ पे वो टायर्ड थी, इसके लिए वो थोड़ी देर रेस्ट करती है. देन दे वेंट टू दमन एंड एन्जॉयड अ लॉट. ओके, नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि ट्रेन के टाइम टेबल के क्वेश्चन आंसर एंड टेक्स्ट बुक एंड अदर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे. ओके, जब तक के लिए बाय बाय. स्टे होम, स्टे सेफ.